अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू क्रिकेट कंपेयर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बाबर आजम और विराट कोहली के दरमियान कैरियर की पहली इक्यासी ODI, 69 टेस्ट और 68 T20 इनिंग का बैटिंग कंपैरिजन करेंगे। आपका फेवरेट बल्लेबाज कौन सा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टेस्ट बैटिंग कंपैरिजन आफ्टर 69 इनिंग। बाबर आजम ने 69 बारी खेलकर 2729 रन बनाए, जबकि विराट कोहली ने 69 बारी खेलकर 2846 रन बनाए। बाबर आजम की बैटिंग एवरेज है 45.49, जबकि विराट कोहली की बैटिंग एवरेज है 43.79। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है 53.89, जबकि विराट कोहली का स्ट्राइक रेट है 52.71। बाबर आजम का बेहतरीन स्कोर है 196, जबकि विराट कोहली का बेहतरीन स्कोर है 169। बाबर आजम ने 6 सेंचुरियाँ बनाई, जबकि विराट कोहली ने 11 सेंचुरियाँ बनाई। 69 टेस्ट इनिंग के बाद बाबर आजम ने 19 फिफ्टियाँ बनाई, जबकि विराट कोहली ने 11 फिफ्टियाँ बनाई। बाबर आजम ने 323 चौके लगाए, जबकि विराट कोहली ने 333 चौके लगाए। बाबर आजम ने 13 छक्के लगाए, जबकि विराट कोहली ने 9 छक्के लगाए। बाबर आजम 9 बार नॉट आउट, जबकि 7 बार डक पर आउट हुए। विराट कोहली 4 बार नॉट आउट, जबकि 4 बार डक पर आउट हुए। बाबर आजम 1 बार मैन ऑफ द मैच बने, जबकि विराट कोहली 2 बार मैन ऑफ द मैच बने। ODI बैटिंग कंपैरिजन आफ्टर 81 इनिंग। बाबर आजम ने 81 बारी खेलकर 3985 रन बनाए, जबकि विराट कोहली ने 81 बारी खेलकर 3398 रन बनाए। बाबर आजम की बैटिंग एवरेज है 56.93, जबकि विराट कोहली की बैटिंग एवरेज है 48.53। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है 89.59, जबकि विराट कोहली का स्ट्राइक रेट है 85.29। बाबर आजम का बेहतरीन स्कोर है 158, जबकि विराट कोहली का बेहतरीन स्कोर है 133। बाबर आजम ने 14 सेंचुरियाँ बनाई, जबकि विराट कोहली ने 10 सेंचुरियाँ बनाई। 81 ODI इनिंग के बाद बाबर आजम ने 17 फिफ्टियाँ बनाई, जबकि विराट कोहली ने 21 फिफ्टियाँ बनाई। बाबर आजम ने 360 चौके लगाए, जबकि विराट कोहली ने 319 चौके लगाए। बाबर आजम ने 39 छक्के लगाए, जबकि विराट कोहली ने 18 छक्के लगाए। बाबर आजम 11 बार नॉट आउट, जबकि 3 बार डक पर आउट हुए। विराट कोहली 11 बार नॉट आउट, जबकि 5 बार डक पर आउट हुए। बाबर आजम 9 बार मैन ऑफ द मैच बने, जबकि विराट कोहली भी 9 बार मैन ऑफ द मैच बने। T20 बैटिंग कंपैरिजन आफ्टर 68 इनिंग। बाबर आजम ने 68 बारी खेलकर 2620 रन बनाए, जबकि विराट कोहली ने 68 बारी खेलकर 2485 रन बनाए। बाबर आजम की बैटिंग एवरेज है 45.17, जबकि विराट कोहली की बैटिंग एवरेज है 48.73। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है 129.13, जबकि विराट कोहली का स्ट्राइक रेट है 133.53। बाबर आजम का बेहतरीन स्कोर है 122, जबकि विराट कोहली का बेहतरीन स्कोर है 94। बाबर आजम ने 1 सेंचुरी बनाई, जबकि विराट कोहली 0। 68 T20 इनिंग के बाद बाबर आजम ने 25 फिफ्टियाँ बनाई, जबकि विराट कोहली ने 22 फिफ्टियाँ बनाई। बाबर आजम ने 266 चौके लगाए, जबकि विराट कोहली ने 241 चौके लगाए। बाबर आजम ने 40 छक्के लगाए, जबकि विराट कोहली ने 64 छक्के लगाए। बाबर आजम 10 बार नॉट आउट, जबकि 3 बार डक पर आउट हुए। विराट कोहली 17 बार नॉट आउट, जबकि 2 बार डक पर आउट हुए। बाबर आजम 6 बार मैन ऑफ द मैच बने, जबकि विराट कोहली 2 बार मैन ऑफ द मैच बने। अगर हम टेस्ट ODI और T20 क्रिकेट में एक साथ बैटिंग कंपैरिजन करें तो बाबर आजम ने 218 बारी खेलकर 9334 रन बनाए, जबकि विराट कोहली ने 218 बारी खेलकर 8729 रन बनाए। बाबर आजम की बैटिंग एवरेज है 49.65, जबकि विराट कोहली की बैटिंग एवरेज है 46.93। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है 80.86, जबकि विराट कोहली का स्ट्राइक रेट है 77.63। बाबर आजम का बेहतरीन स्कोर है 196, जबकि विराट कोहली का बेहतरीन स्कोर है 169। बाबर आजम ने 21 सेंचुरियाँ बनाई, जबकि विराट कोहली ने भी 21 सेंचुरियाँ बनाई।
ओवरऑल 218 इंटरनेशनल इनिंग के बाद बाबर आजम ने 61 फिफ्टियाँ बनाईं, जबकि विराट कोहली ने 54 फिफ्टियाँ बनाईं। बाबर आजम ने 949 चौके लगाए, जबकि विराट कोहली ने 893 चौके लगाए। बाबर आजम ने 92 छक्के लगाए, जबकि विराट कोहली ने 91 छक्के लगाए। बाबर आजम 30 बार नॉट आउट, जबकि 13 बार डक पर आउट हुए। विराट कोहली 32 बार नॉट आउट, जबकि 11 बार डक पर आउट हुए। बाबर आजम 16 बार मैन ऑफ द मैच बने, जबकि विराट कोहली 13 बार मैन ऑफ द मैच बने। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।